तरफ से ईद मुबारक। एक घिन कपड़े एक घिन पैसे अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ पे भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज है ना ईद का दिन है, तो आप सब बहन भाइयों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा हुआ था। अभी सब रेडी हो रहे हैं और अबू जी गए थे सुबह ईद पढ़ने के लिए, तो वो अभी वापस आ गए हैं। और अहमन समाविया मुजम्मिल सब नहा के ना अभी तैयार हो रहे हैं सारे बच्चे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत अच्छी गई, तो अपनी वीडियो को मुकम्मल देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो अभी अंदर चलते हैं, मैं बाहर आई हुई हूँ और गर्मी भी है और मैंने भी कपड़े चेंज करने हैं अभी, तो मैं भी चलती हूँ कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को सबको दिखाती हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं। अस्सलाम अबू। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और रोज़े मुबारक और जो हमारे देखने वाले सबको ईद मुबारक। आज की समझो कि पढ़ के आ गए हैं वापस, ईद पढ़ के आ गए हैं अबू, तो ईद क्योंकि 7:30 बजे पड़ी थी ना ऐसे। तो अभी अबू जा रहे हैं कब्रिस्तान और मेरी एक तो बहनें भी थी, छोटी छोटी थी, मतलब एक एक डेढ़ साल की थी, एक जो है ना कितनी थी, एक दस माह की थी, एक माह की। हाँ तो उनकी कब्रों पे जा रहे हैं अबू जी अभी, क्योंकि ईद वाले दिन सारे जो हमारे मर्द है ना वो जाते हैं कब्र पर ना। हम जा रहे हैं तो साथ ही है इधर कब्रिस्तान, तो उधर जा रहे हैं अबू जी। मुजम्मिल चलो आप तो कपड़े चेंज करो, क्या हालत हुई, चलो हाल हो पहले। ईद नहाना नहीं है, ईद मुबारक तो करो सबको, ईद मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। चलो नहा लो, चलो मुजम्मिल को भी कपड़े चेंज करवाते हैं अभी, बाकी सब अभी तैयार होंगे क्योंकि अभी तकरीबन सुबह के 9 बजे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, सब मेरे बहन भाइयों को भी मुबारकबाद दे दो। ईद पढ़ के आ गए हो, माशाल्लाह तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, शूज चेक करो, वाइट वाइट पाँव, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है आपकी है। अच्छा जी, हमारी पहली ईद है जिस ईद पर हमारे भाई जो है ना वो बोल रहे हैं हमारे साथ, वरना तो इनकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। हमें इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी है ना, बहुत ज़्यादा। चलो आज कुछ सुनाओ हमारे बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, कुछ तो सुनाओ, कुछ तो सुनाओ। घूमने फिरने और बच्चों के लिए भी ले आना, ठीक है। चलो जाओ, दोनों सेम लग रहे हैं, शक्लें भी सेम है दोनों की। मुजम्मिल का भी चश्मा होता ना, आगे मछली नहीं होगी, आंखें बंद करके बैठो, आंखें बंद करके बैठोगे। और पानी भी भरना है, पानी खत्म भी हो गया। चलो जाओ, ये क्या खा रहे हो बैठकर, नाम तो कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, ठीक है। और समाव्या भी नहा के आई है तो वो कंघी कर रही है बालों को। अमन आप भी नहा लो, अमन के समय तबियत खराब है थोड़ी सी, बुखार हो रहा है, बुखार है आज, क्या निकाला हुआ है, ये पहनना है आज, ये सेट। अच्छा ये सामान निकाला हुआ सर जो पहनना है आज। हाँ ये नहीं, और कपड़े ये वाले पहनने सब ने। हाँ वो सामान नहीं पहने, मैंने तो पहने हुए ना। अच्छा इसी तरह के मतलब कि सेम कलर के पहने। हाँ चलो सही है, ओके पहनो, फिर तैयार हो जाओ खुद ही आप। हाँ खुद ऐसे भी होते हो, एवन आप जाओ नहा लो, मुझे मिल नहा रहा है, लगा लेने चाहिए कर लेंगे। तो अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, देखें ये है सूट, तो बाद में आपको पूरी लुक दिखाती हूँ अपने सूट की। तो अहमन समावे मुजम्मिल लैबा सब रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। नीचे से शुरू करो, वाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। मुबारक मेरी तरफ सब लोग को, ईद मुबारक। खैर मुबारक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है समाविया जी। लैबा मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत प्यार, ओए होए हाथों के ऊपर मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है लैबा। हाँ, अच्छा ये डिजाइन ना रात को उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, 1-2 बजे तक ये डिजाइन बनवा रहे हैं, समावे के भी बहुत ही प्यारी लग रही है। 2 बजे सारे डिजाइन मैंने बनाए इनके हाथों के ऊपर, जागते रहेगी। अच्छा आज ईद का दिन है, तो आज तो माशाल्लाह मतलब की हमने कहीं जाना तो नहीं है, बस घर में गुजारेंगे, घर में घर में ईद गुजर जाएगी। असल में ईद के दिन ना बहुत ज़्यादा रश होता है, तो कहीं जा भी नहीं सकता बंदा, तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए। हाँ अभी अमन को दिखा दीजिए, अमन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है।
वाओ एमन, वालेकुम सलाम। एमन पीछे से दिखाओ, ये देखो अभी बनाए ख़राब कर दिए हैं। एमन तो बहुत प्यारी लग रही है, सारे माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। कैसे मुजम्मिल कहाँ है? मुजम्मिल ले आओ, जाओ बुलाओ मुजम्मिल को। माशाल्लाह हो गए तो आप सबने बताना ज़रूर है कि हम सब कैसे लग रहे हैं। आप तैयार नहीं होना? नहीं तैयार नहीं होना मैंने, बस ठीक है। कपड़े तो कुछ अच्छे पहन लेती। क्यों क्या हुआ मेरे कपड़े तो अच्छे हैं, मैं कुछ कर लेती। बस ठीक है, चूड़ा नहीं पहने ना? नहीं नहीं कुछ भी नहीं पहना, बस ठीक है ऐसे ही। तो नए कपड़े पहनना, शूज आपका बहुत प्यारा लग रहा। नए कपड़े पहनना सवाब का काम है, क्योंकि ईद वाले दिन नए कपड़े पहनने चाहिए। मेकअप को छोड़ो, बस मेकअप तो वैसे भी फिर बंदा कर लेता है, कोई वो मसला नहीं है। दिल नहीं कर रहा मेकअप करने का, साल के बाद ईद आती है ना जी। और अम्मी भी माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, सब माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। दिखाती हूँ अम्मी को। और माशाल्लाह से आज ना मौसम काफी ज्यादा प्यारा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। आज पता नहीं कैसे, मतलब ईद का दिन था ना, तो वैसे हर साल मतलब ईद के दिन ना गर्मी होती धूप होती, लेकिन आज धूप नहीं है, आज बादल आ गए हैं, थोड़े थोड़े बादल है, थोड़ी थोड़ी हवा है जी। माशाल्लाह मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा, देखो बादल आए हैं। दिन ईद की वीडियो बनाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो माशाल्लाह मजा आएगी जी इंशाल्लाह। तो सी भैया खाई है? खाई है ना, घी वाली भी सिवैया बनाई सुबह उठ के, और दूध वाली भी सिवैया बनाई अम्मी ने। तो अभी अम्मी कह रहे हैं कि मैंने खाना बनाना है आज, कोई ना बनाए। इतनी खाई भी नहीं है। अच्छा आप आई हुई है ना काम वाली, तो आप आई हुई है आज, उनसे कहेंगे वो खाना बनाएंगे। अम्मी आप ना बनाना खाना वीडियो बनाने के लिए। खाना नहीं बनाएंगे आज, आज रेस्ट कर रही है। चलो दिल करे कोई ना वो चीज खाए। क्या मिठाई? आप ईद की पहले आ गई है, क्या खाना है? वो क्या मीठा खा के ना हम थक चुके। वैसे मेरा क्या खाना है बताओ मुझे, मैं मंगवाती हूँ। क्या खाना है? मिठाई ना, हमें समोसे और समोसे पकौड़े तो वैसे रमजान शरीफ में समोसे पकौड़े तो भी खाए हैं। और कुछ? मैं बताऊँ, गोलगप्पे। अच्छा गोलगप्पे नहीं खाए, गोलगप्पे यहाँ से मिलते नहीं है सही, इसलिए हम जाएंगे घूमने के लिए ना, तो फिर मैं आपको खिलाऊंगी गोलगप्पे वो जलेबियाँ दही बल जी। तो आप सब ने बताना जरूर है कि हमारी फैमिली कैसी लग रही है। तो सबको मैंने दिखाया माशाल्लाह, सभी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, नए कपड़े पहन कर सभी प्यारे लगते हैं। ईद वाले दिन एक अलग ही खुशी होती है दिल में, क्योंकि ये ना रमज़ान पूरा माशाल्लाह इबादत में रोज़ों में गुजरता है, उसके बाद अचानक से एक खुशी आती है ईद की, तो बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी होती है। मैंने सबको दिखा दिया है, और अम्मी जान जो है ना वो रहती हैं, तो अम्मी को इतनी मुश्किल से मैंने कपड़े पहनाए हैं, कपड़े नहीं पहन रही थी और चूड़े नहीं पहन रही थी। मैंने कहा अगर नहीं पहनोगे तो हम भी कपड़े नहीं पहनेंगे, तो अभी कपड़े वगैरह पहन लिए। मैंने अम्मी को रिंग भी पहने, इयर रिंग भी पहने, इयर रिंग्स भी पहने हुए हैं। माशाल्लाह प्यार लग रही है। ईद मुबारक अम्मी, रोजों की भी मुबारक हो, ईद मुबारक हो। माशाल्लाह करीब लगाई अम्मी को, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी लग रही है अम्मी। चूड़ा दिखाओ माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह अम्मी आज सबसे ज्यादा प्यारी मेरी अम्मी लग रही है, कोई भी नहीं लग रहा। मैच गए, मैच कर गए, देखो सारी दुनिया एक तरफ, मेरी माँ एक तरफ और मेरे अबू भी। दुनिया तो नहीं आ दुनिया, दुनिया क्यों नहीं कहती? मैं अब मैं आपकी बेटी हूँ तो मैं कहूँगी ना, आप रहता हम सारे मग गए ना। हाँ सही कह रहे हैं, भाई होते हैं बहनों को ईद देने के लिए आते हैं, यहाँ पे तो भाई एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, ये तो दूर की बात है। मामू भी नहीं है ना, पहले कौन सा आते थे? एक आता था आपका भाई, और तो कोई नहीं आते थे। बस अल्लाह ताला के साथ जो है ना इंसाफ करने वाली है, बस सब्र से काम लो सारा बस। तो ये है जी मेरे सूट की फाइनल लुक। तो मैंने लॉन का सूट पहना हुआ है, गर्मी लग रही थी मुझे इसलिए मैंने और कोई भी नहीं पहना, और बिल्कुल हल्का कलर है माशाल्लाह। तो ये सूट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और जूता जो है ना मैंने घर वाला ही पहना हुआ है, क्योंकि हमने जाना तो कहीं है नहीं, ऐसे ही कपड़े पहन के सो जाना है, तो इस वजह से बस दिल ही नहीं कर रहा था तैयार होने का। तो कहीं जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह तैयार होंगे, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है क्या बना तैयार हो। माशाल्लाह सिलाई बहुत ही प्यारी लग रही है, बच्चे भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अभी जी सुबह से शाम हो गई है, और ईद हमारी यहीं थी कि हमारी ईद ऐसी गुजर गई, बस घर में कहीं पे भी नहीं गए, क्योंकि ईद पे रश होता है इसलिए हम कहीं पे भी नहीं गए। ईद के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि जाने का, बच्चों को भी लेकर जाऊंगी, सब लेकर जाएंगे हम वहीं पे, क्योंकि ईद वाले दिन बहुत ही ज़्यादा रश होता है, वहाँ पर टिकटें भी नहीं मिलती, कोई बंदा वहाँ पर सैर करने के लिए जाए कहीं जाए, तो इस वजह से तो कल या परसों तक इंशाल्लाह प्लान करते हैं, एक दो दिन तक फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे। और बच्चों ऐसा ये तीनों सारा दिन डांस करती रही हैं, गाने चला रही हैं। चेक करो है ये क्या हो रहा है, ये न्यू स्टाइल है आपका? कहाँ गए थे? अच्छा
और अम्मी सिपाहियाँ वगैरह अम्मी ने सुबह सुबह बना ली है अपने व्यूअर्स को दिखाई नहीं है सिपाहियाँ नहीं हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई नहीं है सिपाहियाँ हमने कैसे बनी है कैसे खाई है सवेरे उठी जो है ना बड़ा हुआ ना वीडियो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक मुबारक तो मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है जी सबको जो मेरे बहन भाई सबको मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको ईद मुबारक कहने के लिए जी और आज की स्पेशल डे के लिए डैडी शेयर करती हूँ भाई को तो भाई जो ना हमें गाना सुनाने वाला ईद से रिलेटेड इधर आ जाओ भाई चलो सुनाओ जो भी अभी सुना रहे थे हम सबको भी सुनाया है वही वीडियो में सुनाओ अभी नहीं सुनाया हमें चल सुनाओ ईद आ गई यार नहीं आया नहीं ये नहीं पूरा पूरा सुनाओ जैसे एक घिन कपड़े एक घिन पैसे तीवे दर्द तीवे दर्दी सी ईद दे पैसे न मेरे दिल भर आवन जोड़ा जलती सी हां जी वाह क्या बात है माशाल्लाह भाई ने जी बहुत ऐसा अच्छा गाना सुनाया है वैसे हमें पहले भी सुना रहे थे तो माशाल्लाह हमें किसी की भी जरूरत नहीं है कोई हमारे पास आए ना आए हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक सलामत रखे ऐसी खुश रहे आबाद रहे तो हर कोई मतलब का आजकल जा रहा है आपको पता है किसी को मतलब होता है तो कोई आता है अभी हम सारा दिन गुजर गए कोई हमारे पास नहीं आया कोई भी हमारे पास कोई रिश्तेदार हमारे पास वैसे भी हमारा कोई नहीं है तो कोई भी नहीं आया हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो शायद अल्लाह पाक ने नसीब में हमारे नहीं लिखा होगा शायद वो बुरे लोगों से हमारी जान छुटानी होगी इस वजह से हमारी माशाल्लाह से इतनी अच्छी फैमिली है पूरी फैमिली माशाल्लाह और माशाल्लाह हमारे बच्चे और ये क्यूट सब जमीर सारे हमारे साथ हैं माशाल्लाह मेरे अम्मी अबू को अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे अम्मी अबू मेरे साथ हैं तो पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो किसी और की ज़रूरत नहीं है बस अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है बस तो वैसे भी उम्मीद अल्लाह ताला की ज़ात से रखनी चाहिए इंसानों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए इंसानों से उम्मीद लगाए तो फिर इंसान को कुछ नहीं मिलता कभी भी तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी लिखी होती है तो इसमें भी हमारी कोई ना कोई बेहतरी होगी कि कोई हमारे पास आया नहीं ईद वाले दिन तो वैसे दुख तो हुआ है तो अभी जी हो गई है शाम और मगरिब की अजान जो है तकरीबन होने वाली है और सब बच्चे और सब बाहर आए हुए हैं क्योंकि आज दिन को धूप थी काफ़ी बादल बने हैं लेकिन फिर मौसम फिर गर्म हो गया तो इसलिए हम लोग अंदर सोए हुए थे और मेरे ना अभी सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था तो अभी अबू चाय बना रहे हैं अबू ने कहा कि मैं चाय बनाता हूँ तो अभी सब बाहर आए हुए हैं क्या कर रहे हो बाहर जाना है हम कह रहे हैं परसों जाओ दो तीन दिन बाद जाएंगे नहीं क्या दिन जाएगी अभी तो ईद है ना फिर कहीं गुम हो जाए तो फिर गुम नहीं हो गया हम लोग नहीं फिर भी वो वहाँ रश ज्यादा होता है चलो सही है आप लोग दो तीन दिन बाद चले जाएंगे कोई मसला नहीं जी कल जो है ना इन्होंने दूसरे इन्होंने जो सूट सिलाई करवाए हैं वो पहनेंगे कल कल भी अच्छे से तैयार होंगे हमने कहा है कि आज यहीं पहन लेते हैं हमें ये अच्छे मैं मुझे ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है ना तो इसलिए मैंने यहीं पहना है नहीं बहुत अच्छा किया है आपने अपने पसंद का पहना है तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह और भी बहुत अच्छे हैं वो कल पहनेंगे वो कल पहनना और जब घूमने जाएंगे तो फिर वो और तरह पहनेंगे क्योंकि ये तो घर में बंदा पहन लेता है वो वहाँ तो और तरह अच्छा वो दूसरे मैक्सी जो बनवाई थी वो मैक्सी वगैरह वो पहन जाना ठीक है जी तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे घूमने के लिए वो भी व्लॉग हमारे आगे बहुत ही अच्छे आने वाले हैं आज बस थोड़ा सा मेरा खुद का दिल नहीं था कुछ भी पहनने का या नहीं जी परेशान ना हो कुछ नहीं है सब ठीक है मैं आप लोगों के साथ हूँ ना तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह बच्चों के साथ सबके साथ हूँ मैं इंशाल्लाह और अल्लाह की ज़ात है हमारे साथ और कोई हो ना हो अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है ना तो बस अल्लाह ताला की ज़ात से ज़ात के ऊपर यकीन रखना चाहिए क्योंकि वही सब कुछ करती है इंसाफ भी वही करती है बस मैं इतना कहूँगी तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाइयों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बनाऊँ सुबह से शुरू हुई हूँ अभी शाम हो गई है तो सारा दिन आज मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं माशाल्लाह सब के क्लिप बनाए हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे और भाई ने आज माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमें इस बात की खुशी है हमें ना अपने दुख सारे भूल जाते हैं जब हम अपने भाई को देखते हैं हमारे भाई की आवाज़ जब निकलती है वो बोलते हैं उन्होंने गाना सुनाया मुझे अपने सारे दुख भूल गए तो ये मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इस चीज़ की कि मेरे भाई बोल सकते हैं क्योंकि पिछली जितनी भी ईदें गुजरी हैं ना हमारे भाई की आवाज़ नहीं निकलती थी दो तीन साल पूरे तो इस बात के में बहुत ज़्यादा खुशी है अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक ने हाँ माशाल्लाह तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं सब पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई है तो किसी की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है बस तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है ना वो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो जो भी मेरे बहन भाई आ रहे हैं मेरे इस चैनल पर तो उन्होंने सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है मेरे चैनल को
क्योंकि वीडियो जो है ना काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाएं मेरे ऊपर करने, ताकि लोग देखें कि सोनिया के वाकई हैं चाहने वाले, सब्सक्राइब करने वाले। तो आपने ज़रूर अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह ताला आप सब मेरे बहन भाइयों को अपनों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक। ईद मुबारक दोबारा से, अगेन ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।